नमस्ते नमस्ते जी, क्या हाल है? मुझे लगा मुझे नमस्ते किए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभाकर्ष व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सेफ होंगे और इस मौसम का मजा ले रहे होंगे। और आज ना सुबह सुबह ये भी उठ के आ गए, ये भी मौसम का मजा ले रहे हैं। जाओ नहा के आ जाओ। तो अभी ना इनका प्लान बन रहा है बारिश में नहाने का, देखते हैं नहाते हैं कि नहीं, फिर से भाग गए अंदर। मैं ना कल रात को ही यहाँ ससुराल में आई थी रूपुर में, और जैसा मौसम ना रामनगर में था ना, 5-7 दिन मैंने जो मजा किया ना बारिश में, इतने मजे लिए हमने। और आज यहाँ पे भी सेम मौसम बन गया है, तो यहाँ पे भी आज मैं बहुत इंजॉय करूंगी। और साथ में मैं आपको बता दूं, आज हमने जाना है शादी में, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, आज हम शादी में जाएंगे। तो आज लड़की की बारात आएगी, लेकिन इस टाइम पे अभी सांझ वगैरह हो रही होगी। तो मम्मा गए ऑफिस और मम्मा ने बोला था कि मैं 1 बजे के करीब आ जाऊंगी, और उसके बाद हमें उधर जाना है सांझ के लिए। इतनी ज्यादा बारिश है, मेरा तो मन नहीं है जाने का, ऐसे कपड़े खराब करने का, सच बताऊं आपको तो। लेकिन अगर मम्मा बोलेंगे तो फिर जाना पड़ेगा। और ये ना पूरा रास्ता खराब हो गया, इतना कीचड़ हो गया ना यहाँ पे। और ना ये मैंने नीचे सब्जियां लगाई थी, तो मैं आपको ना ये बाद में बैक कैमरे में दिखाती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की उधमपुर की शादी फिर से। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, तो आईडी मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे ना नीचे हमने सब्जियां लगाई थी, खीरे, किया और करेले और तोरियां और भी पता नहीं क्या क्या लगाया था, टमाटर, मिर्चियां भी लगाई थी। लेकिन वो क्या हुआ ना, ये जो किए लगे ना नीचे, इनकी जो बेल लगी है तो इनके नीचे ही वो दबके मर गए हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं फिर से लगाऊंगी, क्योंकि मैं रामनगर गई थी ना, तो मम्मा उन्होंने बहुत सारी सब्जियां लगाई थी, तो फिर उनको देख के ना मेरा भी मन किया यार कि मैं भी वहां जाके लगाऊंगी। लेकिन सफाई वगैरह करनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। तो पहले हम नीचे ये जो पोर्शन है इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना छोटे छोटे किए लगे हैं अभी, तो ऐसे क्यों वो करना है, ऐसे पाप होते हैं, वो क्यों तोड़ने हैं। सो अभी ये लग जाते हैं, और थोड़ी बारिशें भी कम हो, नीचे सफाई वगैरह करके हमें लगानी है सब्जियां वगैरह। मैंने बहुत सारी सब्जियां, मतलब बीज लेके आई हूँ मैं इस बार, तो मम्मा ने कहा था कि तू वहां पे जाके लगा देना और अच्छे से लग जाएंगे, और साथ में बरसात का मौसम है तो यहाँ पे तो अच्छे से लग ही जाएंगे। और साथ में आज मैंने पता क्या किया, सुबह सुबह ना कपड़े वॉश कर दिए, तो ये सारे इधर ही पड़े हैं, कुछ मैंने अंदर रख दी, क्योंकि बारिश में तो सूखने का कोई मतलब ही नहीं है। और आज पता क्या हुआ, मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से मतलब अपने रूम की सफाई वगैरह कर दूंगी, अपनी कबर्ड की, लेकिन इतने में हमारी मैडम का कॉल आया, हमारी काम वाले का कॉल आया। वो कहते कि सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगी, तो कुछ काम होगा उसको। तो फिर मैंने क्या कहना था, मैंने आगे से बोल दिया चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर लूंगी। अभी अभी मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, और अभी हमें करना है ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं अपने कुछ कपड़े हैं जो मतलब पहनने हैं प्रेस करके रख देती हूँ, जाना है नहीं जाना है ये पता नहीं, लेकिन बारिश में ऐसे मौसम में मेरा मन नहीं कर रहा नए कपड़े खराब करने का, तो मैं कुछ नॉर्मल सा ही आज पहन लूंगी, जिसको मतलब वॉश करने से भी कोई इश्यू ना बने। तो अभी मैं चलती हूँ, सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद बाकी काम निपटाते हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, और मैंने पता क्या किया, ये कपड़े ना इधर रख दिए और ऊपर से फैन लगा दिए फुल, ताकि ये थोड़े थोड़े ना सूख जाएं, बाहर रहेंगे तो पता नहीं कब सूखेंगे। और अभी सच में बैठ कहाँ रही हूँ, मुझे प्रेस करनी है। तो अभी अभी हम निकल गए हैं शादी वाले घर के लिए, दोनों मासियाँ अभी अभी हमारे घर पे आ गई थी, तो मम्मा भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने अभी जल्दी जल्दी से रेडी होकर तो अभी हम निकल रहे हैं। लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ये तो कह रहे थे कि मैं आपको वहाँ पे छोड़ के आ जाऊँगा, तो इनका काम होगा, तो अभी देखते हैं ये वहाँ पे रुकते हैं कि नहीं, नहीं तो फिर से इनको लेने आना पड़ेगा हमें। देखना बाटा से लड़की इधर बुटा ली तो काल ये ताम खाने, चलो चलो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो अभी हम पहुंच गए हैं इधर शादी वाले घर में, चलो आपने जाना है ना, चलो फिर मेरे साथ। गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे। नमस्ते नमस्ते जी, क्या हाल है? मुझे लगा मुझे नमस्ते किए। अरे ऊपर से बारिश, बारिश का मौसम मजा आ गया, और मासी मांड से उठ के बारिश में इधर। मासी हाय, आपका फेमस हो गया पता है। क्या हो गया?
बाय जाओ जाओ बन्नूरी बन्नू मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई हाय बन्नू मुझे ना ये वाली चेयर पसंद आ गई तो मैं इसमें बैठ गई और हमारी मासी और मामी बैठी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ और बाकी सब तो बाहर ही है ये हाय वाली मासी चलो ठीक है बाय थैंक यू सो मच आप कहाँ जा रहे हो हमारे साथ यहाँ पर आप जा रहे हो हम अपने घर जा रहे हैं बोल नहीं हूँ आपके घर जा रहा हूँ अच्छा अच्छा मुझे बताना आपने खाना नहीं खाया क्यों नहीं खाया भूख नहीं थी ये मेरे को बताना नहीं है डोसे कितने खाए थे अभी हम जा रहे हैं नेहा भाभी से मिल के आते यहाँ पे पास ही आए थे मम्मा कहते कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा बैठ लेती हूँ और आप तब तक वहाँ से होके आ जाओ तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody... ये शिवानी दीगा जो जिमू है ना ये पीछे ही आया था बक्शेगा ने तो मैं गेट पहले बाहर से पकड़ लेती हूँ नहीं तो मेरी टांग पकड़ ली ना जाओ उनको बुला के लाओ मैं तभी अंदर आऊंगी नहीं तो नहीं आऊंगी वैसे कोई दिख नहीं रहा है और बारिश ना फिर से स्टार्ट हो गई अंदर नहीं आना हमने आप बाहर आओ हमसे मिलने पहले अपने जिम्मू को पकड़ो आपका जिम्मू नहीं छोड़ेगा मुझे और क्या ठीक है आ रही हूँ आ जाओ आप भी तो अभी ना हम आके बैठे ही थे 5 मिनट ही बैठे और फिर मम्मी का बुलावा आ गया वो कहते कि चलो अभी घर पे निकलने पहले कह रहे थे कि आधे घंटे तक जाएंगे तो अभी जल्दी निकलना है तो अभी हम जा रहे हैं ज्यादा हमारी गपशप भी नहीं लगी अभी पानी शानी के लिए एक दूसरे को पूछ रहे थे तो कोई बात नहीं फिर आएंगे किसी दिन ठीक है आप आना और इनकी बहन आई है लेकिन उनको कुछ काम है तो वो चलेगी अंदर तो ठीक है फिर आप अपना ध्यान रखना ठीक चलो आप चलो अंदर अभी ना हम पहुंच गए घर पे और बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है तो शादी में ना मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिल गए थे तो वो स्पेशली मेरे से मिलने आए और वो ना मुझे पहचान नहीं पा रहे थे तो वो ना आपस में एक दूसरे के साथ एक दी थे वो डिस्कस कर रहे थे कि ये वही है वही है और फिर ना उन्होंने बड़ी हिम्मत की और मेरे पास आए मुझे कहते कि आप ना प्रभाकर्षव व्लॉग्स जो तो वो आप वही हो तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ तो फिर वो मेरे से मिलके गए और कहते कि हमें ना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सो मुझे भी उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा तो अभी ना मैं ये चेंज वेंज करके थोड़ा रेस्ट करूंगी और उसके बाद हमें डिनर के लिए भी निकलना है